अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 तरीके जिनकी मदद से हम अपना जो CTR मतलब कन्वर्जन रेट है सर्च से हमारी पेज की तरफ यूज़र्स के जाने का, वो किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइटल टैग्स, और दूसरे नंबर पे मैटर डिस्क्रिप्शन, और तीसरे नंबर पे स्कीमा। टाइटल टैग्स में हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स। तो ये एक ब्रांडी ने केस स्टडी की थी, उसने ब्रैकेट्स यूज़ की तो उसे 40% ज़्यादा कन्वर्जन रेट उसका इंक्रीज़ हुआ। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नंबर इंक्लूड करें अपने टाइटल्स में, जैसे आप देखें कि सबसे पहले 17 इनसेन एक्शनेबल टिप्स, उसके बाद ई कॉमर्स में आप 20% ऑफ या डिस्काउंट शो करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर सर्विस बेस्ड पेज है तो उस पे आप अपने जो जो क्लाइंट्स हैं जिनको आपने सर्व किया है उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है ओवर 500 क्लाइंट्स सर्व। उसके बाद ये केस स्टडी है सर सलमान बैग की, जो कि इन्वेंटर हैं टाइम टेक्निक के, बहुत अच्छे SEO हैं। तो ये केस स्टडी भी फीचर हुई है ब्रांडिंग की जो रीसेंट पोस्ट थी टेक्निकल SEO की। उसमें सलमान जो है उसने उसकी जो वेबसाइट का टाइटल था, सॉरी आर्टिकल का, उसने उसको एडिट करके उसमें करंट मंथ और आगे ईयर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने स्कीमा अपडेट किया, उसमें स्कीमा में पब्लिश डेट और अपडेट डेट जो है उसे अपडेट किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि जो आर्टिकल है वो फीचर्स स्निपेट में शो हो रहा है, मतलब वो गूगल ने पिक कर लिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और इस पे जो फीचर स्निपेट का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फ्रेश कंटेंट है, मतलब अगर आप अपने कंटेंट को फ्रेश रखें, उसे हर रोज़ बरोज़ अपडेट करते रहें, तो वो फीचर स्निपेट में रहता है। अब मैं लास्ट 2 दिन ही ऐसे देख रहा हूँ कि जो 10 बीस्ट है उनका भी आर्टिकल, जो बेस्ट वायरलेस राउटर्स हैं वो फीचर्ड है। अभी 1-2 दिन पहले ही उनका फीचर से ख़त्म हुआ है, लेकिन अब वो दोबारा अपडेट करेंगे तो वो दोबारा फीचर्ड में चला जाएगा। उसके बाद जो साल का टाइटल है वो सॉरी करंट ईयर जो है वो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिखें, जैसे मैंने बताया उसका सर सलमान बैग का कि उन्होंने लिखा था और उनका CTR काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करना। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको इमोशनल डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, वो शॉकिंग और क्लिक बेटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसमें इमोशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अमेजिंग, पावरफुल, और इसमें करेक्टर लिमिट होती है 150 से लेके 170 तक। और आप मेटा डिस्क्रिप्शन में ये बता सकते हैं कि लोग आपने आपके जो सर्च रिजल्ट है उसे क्यों ओपन करें, जैसे कि ये ब्रांडिंग का है, वॉन्ट टू लर्न SEO, इनहेंस योर SEO स्किल्स विद दिस इन डेप्थ गाइड दैट कवर्स कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज SEO, लिंक बिल्डिंग, कॉन्टेंट मार्केटिंग एंड मोर। उसके बाद क्लिक बेटिंग को अवॉइड करें, क्लिक बेटिंग जो है ये ठीक नहीं है, इसको इसकी वजह से पोगो स्टिकिंग और लो डिवेल रेट इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाते हैं। अब जैसा कि आप क्लिक बेटिंग यूज़ करेंगे तो वो जब यूज़र पेज खोलेगा तो काफ़ी उसे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिलेगी तो वो वापस चला जाएगा, और वो पोगो स्टिकिंग हो जाएगी, डिवेल टाइम भी कम होगा और बाउंस रेट भी ज़्यादा होगा। इस वजह से वो जो गूगल का रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है वो फिर आपको आपकी रैंकिंग डाउन कर देगा। उसके बाद इमोशन, ये सबसे ज़्यादा इमोशनल वर्ड जो हैं विल मेक यू सबसे पहले नंबर पे है, और उसके बाद दिस इज़ वाई, उसके बाद कैन वी गेस ओनली एक्स इन द रीज़न इज़ आर फ्रीकिंग आउट एक्स टर्निंग वीडियोज़, इस तरह करके ये सारे वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा जिन पे इंगेजमेंट हुई है। उसके बाद स्कीमा, स्कीमा बड़ी
कमाल की चीज़ है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है सीटीआर के ऊपर। इसमें साइट लिंक्स आते हैं और रिच स्निपेट्स। ये मेरी वेबसाइट का पर्सनल डाटा है, मतलब रिसेंटली इस पे मैंने आज से के लास्ट मंथ की लगभग 13 डेट को मैंने इसके ऊपर FAQ स्कीमा, लिस्ट व्यू स्कीमा और रिव्यू स्कीमा इंप्लीमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसके CTR और क्लिक्स वगैरह कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। तो उम्मीद है ये डाटा आपको पसंद आया होगा और आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।